वो मैंने बस उतना ही पढ़ाया था जी, कभी कभी थोड़ा भी पढ़ाते हैं। हाँ जी, ये सादिया खान का नंबर है और नंबर सेव कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छी लड़की है। कुछ कुछ भी आपके बारे में फिर भाई बैठते तुम शुरू हो गए, मैं पहले ही कह रहा था साझा कर, मैंने कहा बड़े रिस्पेक्ट के साथ से बात करना, ये जो है ना बद्दुआएं भी देनी चाहिए। मैंने उसे कहा है और कुछ नहीं कहा, परेशान ना हो। मैंने उसे कहा सैम से, मैंने कहा ये सादिया खान का नंबर है, उसने कहा उसको बात पहले पता थी। मैंने बता दी ये बात ही बता दी ताकि कोई कंफ्यूजन शुरू में। आप भी वही बात कर रहे हैं जो वो उसने की। मैं जो नहीं करता बाबा पढ़ो आगे, मैं बहुत लड़ाकी और मैं लोगों से लड़ती रहती हूँ। जो सर को नहीं बस रही लोगों को। चले जी, अपनी साथी जो है ना इसको याद आ गई अपनी मेरे ख्याल में हम समरी से स्टार्ट करते हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें निकल आएंगी क्योंकि रेमंड विलियम की हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल बहुत कम है, तो हम समरी से स्टार्ट करते हैं। टुडे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेज नंबर इज 264 एंड हाँ जी हाँ जी आ जाए पर करंट क्रिटिसिज्म पेज नंबर 264 समरी इन इंग्लिश एंड ये मुनव्वर अहमद सईद की लिखी हुई बुक है, रेमंड विलियम पढ़ रहे हैं। समरी है ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन। अब ये एक्चुअली समरी जो है ये मॉडर्न ट्रेजेडी की समरी है, लेकिन इसके मुख्तलिफ टॉपिक हैं, पहले आप इसको देख लें कि इसमें टॉपिक कौन कौन सा है। समरी में ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन का एक टॉपिक है, उसके बाद आप देखेंगे पेज नंबर 267 पर लिखा हुआ है ट्रेजेडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज, ये दूसरा चैप्टर है, दूसरा टॉपिक है। आफ्टर दिस देयर इज 269 पर प्रोजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, तीन चैप्टर्स हैं, यू कैन एनालाइज पूरी बुक मॉडर्न ट्रेजेडी की बुक में तीन टॉपिक्स हमने हैं जो डिस्कस करने हैं। अच्छा भाई क्या सुना, माफ, पता नहीं क्या क्या बातें इसमें हमने डिस्कस करनी है, अल्लाह ताला हमें माफ करे सबको कि जज्बात में पढ़ाते हुए पता नहीं कौन कौन सी बात मुँह से निकल जाए, ठीक है। लेकिन हमारा इंटेंशन ऐसा कोई नहीं है कि एंटी रिलीजियस कोई बात करें, हम जस्ट इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, हम जस्ट अपने इस जो लिटरेचर रखा गया यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस रखा है हम उसको एनालाइज कर रहे हैं उस सिनेरियो में उन लोगों के हवाले से, ना कि इसमें कोई हमारी अपनी राय हो सकती है। जितना भी मैं रेमंड विलियम पूरा का पूरा पढ़ा रहा हूँ, जितने भी लेक्चर दूंगा उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कन्फेशन जो है वो पहले लेक्चर में दे रहा हूँ कि जी इसमें मेरा कोई अपनी राय नहीं है, जो भी एंटी रिलीजियस कोई आइडियाज आ जाते हैं अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करे और आपको भी माफ़ करे। दिस एस ए ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल इज अ डिस्कशन ऑन द कॉमन एंड ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेजेडी। अच्छा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल ये उसने पहला पहला टॉपिक लिया है, ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन में उसने पहला टॉपिक लिया है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट था मेरे ख्याल में, नहीं वो तो उसका था इलीट का था। अच्छा रेमंड हैज डिस्कस्ड ऑन द एवोल्यूशन ऑफ ट्रेजेडी इन द एसे, इस एसे में ट्रेजेडी की एवोल्यूशन, ट्रेजेडी शुरू से लेकर अब तक शुरू में किस शक्ल में थी, तब्दील होती होती आज किस शक्ल में है, यानी कि ट्रेजेडी की ट्रेडिशन के बारे में बात की है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन की बात नहीं कर रहा, ट्रेजेडी की अपनी ट्रेडिशन की बात कर रहा है कि वो किस तरह तब्दीलियों में से गुजर कर कहाँ तक आ पहुंची है। इन द प्रीवियस
He tells the basics of tragedy in these words. We come to tragedy by many roads. अब ये लाइन अंडरलाइन कर ले, ये हम ट्रेजी तक कई रोड से होते हुए, यानी कि ट्रेजी कई रास्तों से होती हुई आज यहाँ पहुंची है, या यूं कहिए कि हम कई रास्तों से होते हुए ट्रेजी को इस शक्लो सूरत में ले आए हैं। इट इज एन इमीडिएट एक्सपीरियंस, बहुत फेमस उसकी डेफिनेशन है ट्रेजी के बारे में कि ट्रेजी इमीडिएट एक्सपीरियंस का नाम है, अ बॉडी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का एक हिस्सा है, कन्फ्लिक्ट ऑफ थ्योरी, ट्रेजी कन्फ्लिक्ट ऑफ थ्योरी है, एन एकेडमिक प्रॉब्लम, ये एक हमारा एकेडमिक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसकी तो थोड़ी सी डेफिनेशन कर ले, इस डेफिनेशन की डेफिनेशन कर ले। ट्रेजेडी क्या, असल में ट्रेजेडी है क्या? ऑडियंस हॉल में बैठे हुए, ऑडियंस हॉल में बैठे हुए जो इमीडिएट उस वक्त एक्सपीरियंस करते हैं अपने सोल में, अपने ब्रेन में, वो ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी इज नॉट द पिटी, ट्रेजेडी इज नॉट फेयर, ट्रेजेडी वो सामने जो कुछ देखकर वो एक्सपीरियंस करती है, साउल और हमारा दिमाग जो एक्सपीरियंस करता है उसको हम ट्रेजेडी, इमीडिएट एक्सपीरियंस को कहा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस पहले से नहीं, उसी वक्त क्रिएट किया जाता है और एक्सपीरियंस हमारे जहन में होता है कि अच्छा 2 + 2 = 5 कैसे हो गया, इमीडिएट एक्सपीरियंस हमने सिचुएशंस को देख के होता है ना। हाँ, वो हमारा इमीडिएट एक्सपीरियंस है, वो ट्रेजेडी है। पहले हम कहते थे कि ट्रेजेडी सफरिंग ट्रेजेडी होती है, अब हम कह रहे नहीं, ट्रेजेडी इंसान की जात के अंदर होने वाली एक तब्दीली है, ट्रेजेडी इंसान की जात में होने वाला एक एक्सपीरियंस ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी इंसान से ताल्लुक है, ट्रेजेडी ऑडियंस की सोल में और उसके दिमाग में है, ना कि ट्रेजेडी स्टेज पर है। एक बात उसने ये कही, ट्रेजेडी इमीडिएट एक्सपीरियंस का नाम है। अब बॉडी ऑफ लिटरेचर, भाई ये लिटरेचर का ट्रेजेडी एक हिस्सा है, ये फिलासफी का हिस्सा नहीं है, ये साइंस का हिस्सा नहीं है, ये लिटरेचर का हिस्सा है, वेरी सिंपल, ट्रेजेडी की ओवरऑल डेफिनेशन हो रही है। कन्फ्लिक्ट ऑफ थ्योरी, ट्रेजेडी कन्फ्लिक्ट ऑफ थ्योरी है, दो थ्योरीज के दरमियान में कन्फ्लिक्ट है। हाँ, जहां पर देखें, ये बात बहुत बड़ा अहम है, अब ये उस पिछली बात से हटकर बात कर रहा हूं, जहां पर दो ट्रेडिशन आपस में टकरा जाए उस नुक्ते पर ट्रेजेडी होती है। एडिपल कॉम्प्लेक्स की वजह से एक करेक्टर निकलता है और अपनी मां से जाके मिलता है, वहां पर एक एडिपल कॉम्प्लेक्स, एक थ्योरी है कि इंसान के अंदर ये कॉम्प्लेक्स मौजूद है कि माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो वहां से नेचुरल आगे आ रहा है, उधर से ट्रेडिशन है जो कहती है कि माँ के साथ आप शादी नहीं कर सकते, और जहां वो काम हुआ दो ट्रेडिशन टकराई है, ट्रेडिशन जहां पर दो टकराई है, दो थ्योरीज, दो आइडियाज टकराए हैं, जहां दो आइडियाज टकरा रहे हैं वो ट्रेजेडी है। ईडीपस की सफरिंग ट्रेजेडी नहीं है, ईडीपस की सफरिंग ट्रेजेडी नहीं है, ट्रेजेडी वहां हुई है कि जब हम कहते हैं कि ओ ये क्या हुआ, उसने माँ से शादी कर ली, और एट द सेम हम ये कहते हैं कि ओ हो इसे तो पता ही नहीं था कि माँ से शादी उनकी माँ थी। फिर एक साइंटिस्ट कहता है, साइकोलॉजिस्ट कहता है, ओ हो अगर उसने माँ से शादी कर ली दैट इज क्वाइट नॉट नेचुरल। तो ये नेचुरल और ट्रेडिशन का, दो थेरीज का आपस में कलूजन हो गया, कलूजन टकराव हुआ, जहाँ टकराव हुआ वहां ट्रेजेडी हुई है। तो ट्रेजेडी क्या है? कन्फ्लिक्ट ऑफ थ्योरीज है, ट्रेडिशन और थ्योरी ये है कि औरत ने घर संभालना है, घर में रहना है, लेकिन नेचुरल फिनोमिना ये है कि हेडा कहती है कि नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही उस जगह से, जहां पर वो चीजें टकराई हैं वहां पर ट्रेजेडी हुई है। तो हेडा की मौत ट्रेजेडी नहीं है, असल में दो ट्रेडिशन या दो आइडियाज का या दो थ्योरीज का टकराना ट्रेजेडी है। अच्छा, जिसको ये बात समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ ले, आगे है। तो ट्रेजेडी सफरिंग नहीं है, ट्रेजेडी दो आइडियाज का कन्फ्लिक्ट है, दो थ्योरीज का कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, जिस पॉइंट पर वो लड़ाई होती है, टकराती है, उसी जगह पर ट्रेजेडी होती है। ये बात मैं बार बार आगे मजीद भी डिस्कस करूंगा इसको कई अंदाज। तो सर किसी का एक्सीडेंट होना और ये वो, ये नहीं ट्रेजेडी, उसने कहा ये ट्रेजेडी, उसने इस बात का भी जिक्र किया ही नहीं है, उस जगह ट्रेजेडी होती है वहां पर जब कन्फ्लिक्ट होता है,
टकराव होता है दो चीज, दो थेरीज का टकराव है, जहाँ पर टकराव है वो ट्रेजिडी है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दौर के अंदर जो ट्रेजिडी लिखी जाएगी वो सपोज कोई शख्स रेबल होकर एक नया आइडिया लेकर आता है, वो नया आइडिया जब आता है तो पुराने आइडिया के साथ वो टकराता है, जहाँ पर कोलिजन होता है, टकराव होता है, उस जगह पर ट्रेजिडी होती है। ट्रेजिडी की ट्रू डेफिनेशन यही है। इसका मतलब है ट्रेजिडी ही वो अमल है, वो जगह है, वो चीज़ है ट्रेजिडी, जहाँ पर लोग नए आइडियाज को पुरानों के साथ टकराते हुए देख सकेंगे। जब किसी शख्स के साथ कोई शख्स समझता है कि भाई जो इंसान का जो ये कार्य कवानीन है, इंसान के जो कवानीन है, ठीक है, ये कोई एक कानून, वो कहता है कि ये कानून गलत है, वो एक नई चीज सोचता है और कहता है कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूँ इंसान को सिविलाइज रखने के लिए कवानीन का होना लाजमी है और कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए। ये एक मेरी थ्योरी है। एक थ्योरी आपकी भी, इंसान को सेंसिबल बनाना चाहिए और कानून के साथ उसे क्रश नहीं करना चाहिए, ये दूसरी थ्योरी है। जब ये थ्योरीज आकर टकराएंगी तो वहां पर क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा, वही ट्रेजिडी है। तो किसी ने ट्रेजिडी लिखनी है तो यहाँ पर आकर ये बात शो करेगा, यहाँ पर ये कंफ्लिक्ट दिखाएगा ट्रेजिडी में, जहाँ दो एजाज टकराएंगे। कानून बना हुआ है कत्ल का बदला, कत्ल जैसे कत्ल किया उसे फांसी पर चढ़ा दो, जो कह रहे हैं सेंसेस वाला, वो शख्स आता है और ट्रेजिडी लिखता है कि एक आदमी ने दूसरे को कत्ल किया और मर गया, जज बैठा है और बात आपस में चल रही है, अब उसमें चल रही है, वो जब हमें दिखाता है कि उस जजमेंट के दौरान पता चलता है कि ये शख्स, इसके जहन का एक केमिकल जो है ना वो बनना ख़त्म हो गया है, और उस केमिकल के बनने ख़त्म होने की वजह से माइंड में वो बोझ रहा, इमोशनल हो जाता है, वो चाहता है कि दूसरों को किल कर दे, अगर उसकी लॉजिक दे देता है वो तो कानून रद्द होता है। कानून रद्द, अब ये स्टेज पर जब फिल्माया गया है, लोग अब किस चीज़ को प्रेफर करेंगे? मेरे ख्याल में ऑडियंस बैठे होंगे लोगों में, अगर उसका केमिकल जहन का खत्म हो गया और उसकी वजह से सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल होकर किसी को कदर करना चाहता है, तो उस वक्त वो कानून जायल हो जाएगा, जाया हो जाएगा। जब जाया हो जाएगा तो जीत किसकी होगी? साइंटिस्ट वाला जो पोर्शन था, जो शख्स ने कत्ल किया था, उसको फिर दोबारा कत्ल नहीं किया जाएगा, उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा, ब्री हैं आप, वो जाने लगेगा, लेकिन वो लवाहकीन जो होंगे वो उसे गोली मार देंगे, सपोज जस्टिस करेंगे, निकाल लिया तो क्या हुआ? अब यहाँ पर जो ड्रामेटिस्ट कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है उसने? ये जहाँ पे वो कानून और सेंसेस वाली बात, साइंस और कानून का टकराव हुआ है, यहाँ ट्रेजिडी होती है ना, कि बाद में लोगों ने गोली भी मार दी है, वो ट्रेजिडी नहीं होती। ठीक है, ट्रेजिडी वहाँ से शुरू होती है। आप ये भी कह सकते हैं, ये भी एक टॉपिक आगे है, ठीक है, ट्रेजिडी यहाँ से शुरू होती है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल है जहाँ पर ड्रामा खत्म हो रहा है आपका ड्रामा स्टार्ट ही वहाँ पर होता हो, पॉसिबल है, क्योंकि ये एक प्रोसेस का नाम है, एक्सपीरियंस का नाम है। एक शख्स कत्ल हो गया है, वो जिसका केमिकल खत्म हो गया था, उसकी बीवी की बात शुरू हो जाएगी, बीवी आगे आगे उसके साथ ट्रेजिडी क्या होती है, उसके साथ क्या होती है, तो एक प्रोसेस का नाम है, ये किसी एक कन्फर्म एंड का नाम नहीं है। इसका मतलब ये जो एपिक थिएटर में कहा गया था कि ऑडियंस एंड पर नजर नहीं रखेंगे। अच्छा, कन्फ्लिक्ट ऑफ थ्योरी एंड एकेडमिक प्रॉब्लम। एकेडमिक प्रॉब्लम की मैं डेफिनेशन यू करूंगा कि एक सोचने समझने वाला मसला, ट्रेजिडी एक ऐसी जगह है, उसने कहा था, बेकर ने कहा था, डिबेट हॉल, उसने कहा था थिएटर को डिबेट हॉल होना चाहिए, यानी कि पढ़े लिखे लोग बैठ कर प्रॉब्लम सॉल्व करें वहां। इसी बात पर सुभान अल्लाह भी कह दिया करो, सारे लिटरेचर के लोग को अच्छी बात में बताता हूँ, अल्लाह अकबर करके ब्लास्ट में कर देना। रेमंड बिलीव्स दैट ट्रेजिडी इज नॉट नियरली द डेथ ऑफ किंग्स, ट्रेजिडी किंग्स की मौत नहीं, इट इज मोर पर्सनल एंड जनरल, ये पर्सनल है और जनरल है, आम है। ही सेज दैट ट्रेजिडी इज नॉट सिंपली डेथ एंड सफरिंग and it is certainly not accident. अच्छा, अब ये बात आप underline कर लें फिर मज़ीद, कि tragedy suffering भी नहीं है, tragedy death भी नहीं है, और accident भी tragedy नहीं है। जब ये कहीं पर accident हो जाता है अचानक, तो ये भी tragedy नहीं होगी। tragedy conflict of theory है, tragedy immediate experience है,
ट्रेजडी एकेडमिक प्रॉब्लम है, ट्रेजडी पार्ट ऑफ लिटरेचर है, ट्रेजडी एक्सीडेंट नहीं है, सफरिंग भी नहीं है, डेथ। हाँ, नॉर इज इट सिंपली अ रिस्पांस। अच्छा देखिए, ये बहुत अहम बात आ रही है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नॉर इज इट सिंपली अ रिस्पांस टू डेथ एंड सफरिंग। कुछ क्रिटिक ने ये कहा था कि ट्रेजडी लाइज इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, मैंने आपको उस दिन कहा था कि मैं इस पर फिर डिबेट करूंगा और इसको रिफ्यूट भी कर सकता हूँ। अब रेमंड विलियम कहता है कि ट्रेजडी, कुछ लोगों ने कभी ट्रेजडी इंसान के जहन में होती है, क्योंकि इंसान जो है, एक इंसान को ट्रेजडी लगती है, वो उस पर मतलब महसूस करता है कि यार ये काजेज हैं, ये वजूहत है और ये हुआ है। दूसरा आदमी कहता है कि नहीं यार, ये तो फजूल सी चीज है और इसमें कोई दुख का एहसास भी नहीं हो रहा और ना इसके काजेज है ना इसके सोल्यूशन है, वो उसको ट्रेजडी मानता भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेजडी ऑडियंस के माइंड में होती है, लेकिन वो कहते हैं कि ट्रेजडी डेथ और सफरिंग का रिस्पांस नहीं है। अच्छा, ट्रेजडी वो कहते हैं डेथ और सफरिंग का रिस्पांस नहीं है, हो सकता है काजेज और इफेक्ट्स का हो सकते हैं। अगर इंसान ये सोच रहा है कि यार काजेज क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो वो एक अलग डिबेट है। लेकिन कम अज कम उसने यहाँ पर ये रिफ्यूट कर दिया है कि सफरिंग का रिस्पांस ऑडियंस में जो आता है वो ट्रेजडी नहीं। मैं वेरी सिंपल कर रहा हूँ, पिछली बात भूल जाए। ऑडियंस के अंदर सफरिंग को देखकर जो दुख और मलाल पैदा होता है वो ट्रेजडी नहीं, वो अलग बात है, अभी वो बात नहीं। इट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट, ये ट्रेजडी एक खास इवेंट है, एंड अवर पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, और हमारा उस खास इवेंट को खास रिस्पॉन्स ट्रेजडी हो सकता है, विच इज जनरली ट्रेजिक एंड विच द लॉन्ग ट्रेडिशन एम्बॉडीज। और अगर आप लंबी ट्रेडिशन देखें इसकी, तो उसमें यही बात की गई। लेकिन ये तो कोई भी नहीं कहता कि वो जो सेंस ऑफ पिटी और फियर है वो ट्रेजेडी है, ये बात तो शायद किसी ने भी नहीं कहा। अरिस्टोटल और क्लासिकल यही कहा, ये तो नहीं कहा ना कि वो ट्रेजेडी है, जो फीलिंग्स आ रही है वो तो ट्रेजेडी नहीं है, जो ऑडियंस के अंदर अगर उसे कहा पिटी और फियर पैदा करे, तो पिटी एंड फियर पैदा करे वो उसका रिजल्ट है। अगर पिटी एंड फियर पैदा करेगा तो वो ट्रेजेडी होगी, तो वो सही ना। अगर फिटिंग फेयर का इफेक्ट पैदा करने में नाकाम हो जाए तो वो कहता है वो ट्रेजडी नहीं है। सर, इसमें जैसे एक्सीडेंट वगैरह को भी नहीं इसमें लाया, तो मतलब फेट का अमल दखल नहीं होता? नहीं, फेट भी नहीं होगा। हाँ, फिर फेट का अमल दखल भी नहीं होगा। आपने ठीक कहा। इस बात को मैं समरी कर दूँ, इस बात की ऑडियंस जो बैठे हुए हैं उनके अंदर सफरिंग या डेथ का जो रिस्पॉन्स पैदा होता है, वो रो पड़ते हैं या डरते हैं, वो ट्रेजडी नहीं, बल्कि एक खास इवेंट स्टेज पर उसका एक खास रिस्पांस, ये ट्रेजडी। अच्छा, खास इवेंट और खास रिस्पांस, यानी कि फिर वही बात आ गई, अगर तमाम लोग रिस्पांस वो नहीं दे रहे, तमाम लोगों के लिए वो ट्रेजडी नहीं हो सकती, बल्कि खास रिस्पांस जो देगा उसके बारे में वही ट्रेजडी होगी। हिज बेसिक थीसिस इन दिस आर्टिकल इज, अच्छा जी, बेसिक थीसिस क्या है, द मीनिंग ऑफ ट्रेजडी। अब इस जो इसने ट्रेजडी ट्रेडिशन में लिखा है, उसने एक तो इसमें मीनिंग ऑफ ट्रेजडी लिखे हैं जो कि ऊपर लाइन में आ भी गए हैं, द रिलेशनशिप ऑफ ट्रेडिशन टू ट्रेजडी, ट्रेजडी का माशरे में मौजूद ट्रेडिशन के साथ क्या ताल्लुक है, एंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विच वी मिस्टेकनली कॉल ट्रेजिक, और वो कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जिनको हम गलती से कहते हैं ये ट्रेजिक है, ये उसके अहम डिस्कशन टॉपिक है। Raymond says that we usually try to make a contrast between the traditional and the modern. हम अक्सर traditional और modern के दरमियान में हम contrast पैदा करते हैं। हम कह रहे हैं ये जी पीछे वाले लोग तो conventional हैं, ये modern है, आज modern है पीछे conventional है, traditional लोग हैं वो traditional tragedy लिखते हैं। ठीक है, ये बात कही जाती है, वो क्या कहता है, and try to compress and unify the various thinking of the past into a single tradition, aur hum maazi ki mukhtalif baaton ko jod kar tradition ka naam dete hain. Williams explains about tradition. ab Williams sabse pehle tradition ki explanation karta hai ki tradition kya hai. if it is a question rather of realizing that, ye ek sawal hai bajaye iske ki realizing karne ke kya ट्रेडिशन इज नॉट द पास्ट, ट्रेडिशन माजी नहीं होती,
बट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट, ट्रेडिशन माजी की इंटरप्रिटेशन होती है। अ सिलेक्शन, ये ट्रेडिशन जो होती है ये सिलेक्शन होती है, एंड एवोल्यूशन ऑफ एंसेस्टर्स, और हमारे अबाव अजदाद के जो उनकी एवोल्यूशन, उनके तजिए थे या उनकी बातें थी उनका अयाता करती है। रेदर देन एवोल्यूशन, बढ़ोतरी या तजिया, रेदर देन अ न्यूट्रल रिकॉर्ड एंड अ प्रेजेंट, बल्कि ये होती है न्यूट्रल रिकॉर्ड होती है, द प्रेजेंट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न, और प्रेजेंट जो है वो अच्छा एंड द मॉडर्न था, चलो मॉडर्न और ट्रेडिशन के दरमियान में प्रेजेंट जो है लिंक पैदा करता है। हाँ जी, शुरू करें फिर इसको। ट्रेडिशन को लोग ये समझते हैं कि ट्रेडिशन माजी में होने वाले वाक्यात ट्रेडिशन होते हैं और मॉडर्न चीज अलग है, ठीक। रेमंड विलियम का ख्याल है कि कोई भी चीज जो माजी में हो गई है और जो प्रेजेंट में मौजूद है या फ्यूचर में होनी है, ये एक ही चीज है, ये ट्रेडिशन ही है, ये अलग अलग दो चीजें नहीं है। असल में अगर हेडा गैब्रेल लिखी जा रही है, अगर ये मॉडर्न ड्रामा आप कहते हैं और सोफोक्लीज का लिखा हुआ ड्रामा ईडिपस रेक्स उसको आप ट्रेडिशनल ड्रामा कहते हैं और कंट्रास्ट पर रखते हैं तो ये गलत है। लेकिन वो कन्वेंशनल, वो जो ट्रेडिशनल ड्रामा शुरू हुआ था, ड्रामे की ट्रेडिशन शुरू हुई थी, वो क्लासिकल से चलती हुई, शेक्सपियर से होती हुई, इब्सन से होती हुई आगे ओनील तक आ गई। विलियम कहते हैं ये वही ट्रेडिशन का ही हिस्सा है, ये अलग कोई चीज नहीं है, कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यूटी है, ये ट्रेजेडी की ट्रेडिशन बस स्टाइल चेंज हो रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं ट्रेजेडी की ट्रेडिशन चल रही है। और जो प्रेजेंट होता है, आप जो इस वक्त बैठे हुए हैं, आप आने वाले मॉडर्न से और पीछे वाले से लिंक पैदा कर रहे होते हैं, प्रेजेंट लिंक है। आप जितनी भी अनोखी चीज अगर लिखेंगे वो पिछली चीज के साथ लिंक है। ठीक, सपोज एक साइंटिस्ट, एक शख्स है, वो उसके कहता है, वो कहता है ये जो गोबर है इससे बिच्छू पैदा हो जाते हैं, ठीक है, ये उसका एज्यूम है, ये उसका ख्याल है, उसका अंदाज है, उसने कह दी एक बार, ठीक है, और बाद में फ्यूचर में आकर ये बात इंतहाई गलत साबित हुई, इंतहाई गलत साबित हुई, ठीक है, और आखिर में आके एक साइंटिस्ट ने मॉडर्न दौर में आकर उसने ये कहना है, उसने कहा जी गोबर से तो गैस पैदा होती है, ना कि गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। अब अगर ये बात की गई है तो क्या जिस शख्स ने शुरू में कहा था, क्लासिकल एक आदमी था, उसने कहा था कि गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं, तो क्या वो भी साइंटिस्ट था? और जो आने वाले दौर में अगर कह रहा है कि गोबर से गैस पैदा होती है, क्या वो भी साइंटिस्ट है और वो भी साइंटिस्ट है? दोनों साइंस के आदमी है। तो दोनों साइंटिस्ट हैं, दोनों ही साइंटिफिक बात कर रहे हैं। हम कहेंगे अरिस्टोटल ने बिफोर क्राइस्ट ये कहा था कि गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं, अरिस्टोटल ने कहा था, ठीक, और आज गोबर से गैस पैदा हो रही है, ठीक। तो ये दोनों बातें साइंटिफिक हैं, साइंस की बातें हैं। कोई शख्स इनको अलग कर दे, वो तो जी पहले वाले थे, वो तो साइंस का आदमी नहीं था क्योंकि उसने तो बात ही गलत कर दी थी। इसी तरह अगर एक शख्स ट्रेजेडी दिख रहा है ईडिपस जैसी, और मॉडर्न दौर में एक शख्स ट्रेजेडी लिखता है मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा, तो दोनों ही ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी के खदोखाल तब्दील हुए, ट्रेडिशन वही चल रही है। तो वो कहता है कि लोग ये सोचते हैं कि माजी में जो हमारे बुजुर्ग थे उनके तजर्बात से जो चीजें कन्फर्म हो गई, श्योर हो गई कि ऐसे करें तो ऐसे ही होता है, उसको लोग कहते हैं ये ट्रेडिशन है, और जो मॉडर्न लोग नई बात करते हैं तो कह रहे ये मॉडर्न है, वो कहते हैं ये गलत है। बल्कि ट्रेडिशन की तारीफ ये है, ट्रेडिशन इज अ कंटिन्यूटी, माजी लेकर अब तक चल रही जा रही है। तो ये बात करके उसका कहने का मकसद क्या है, क्यों ये बात कह रहा है?
वो इस बात को इसलिए कह रहा है, वो आपको ये समझाना चाहता है कि ट्रेजडी की अपनी भी एक ट्रेडिशन है, ट्रेजडी हर दौर में अलग अलग नहीं हो जाती। लेकिन डेफिनेशन अलग अलग रहती है वक्त हालात के मुताबिक। अगर की भी है तो वो उन डेफिनेशन को आप नजरअंदाज करें। बस एक कार्य तसलसल है, ट्रेजडी की अपनी ट्रेडिशन चलती जा रही है। हो सकता है आने वाले दौर के अंदर ड्रामा की स्टेज पर कुछ साइंटिफिक तजर्बे करके दिखाए जाए और हम उसको भी कहेंगे ये ट्रेजडी है, ट्रेजडी की डेफिनेशन ही तब्दील हो जाए। हम लिटरेचर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वाकई हम फेल हो जाएंगे। मेरा ख्याल आज के मुताबिक यही है, आने वाले दौर में ड्रामे की स्टेज के ऊपर लोग ट्रेजडी देखने आएंगे तो वहाँ पर आप उनको अपडेट किया जाएगा नए नए। हाँ ये बात बिल्कुल अच्छी की है, गैली वैली बिल्कुल ड्रामा, ये तो बिल्कुल आपने परफेक्ट कह दिया। तो उसमें भी साइंटिफिक वो चीज़ें दिखाई गई, इन्फॉर्मेशन डाली गई है सारी की सारी। अब हो सकता है एक आदमी दो थिएटर में ड्रामा लगा हुआ है, एक थिएटर में हम जहाँ ट्रेजडी हो रही है, एक शख्स के साथ वो उसके साथ कुछ सफरिंग हो गई, या दो थेरीज का कंट्रास्ट दिखाया गया कि एक शख्स कहता है कानून, दूसरा कहता है कि सेंसर, और इनका कंट्रास्ट दिखा के वो घर में आ जाता है उसको देख कर। दूसरा शख्स जो है वो साथ वाले थिएटर में गया है, वहाँ पर जाकर उसे दिखाया गया है कि हाँ जी मोबाइल आपके पास है और ये आप घर में जाएँ और एक लोहे की पट्टी को इस तरह ज़मीन पर रगड़ते रहें, आधा घंटा रगड़ने के बाद उस मोबाइल के पीछे लगाएं तो आपका नेट खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। तो वो जो उस थिएटर में गया है वो कहेगा मैंने जो ट्रेजडी देखी वो तो बड़े मजे की है, मैं तो फॉर एवर के लिए उससे नेट फ्री हो गया मेरा। तो लोग किसको ट्रेजडी को प्रेफर करेंगे? सेकंड वाली को करेंगे। अब लोग कहेंगे ये तो ट्रेजडी है नहीं। भाई ये ट्रेजडी है नहीं तो हो जाएगी ऐसे, लोग इंसान ने तो अपना फायदा देखना है ना। अब ये बात ये देखे ना, ऐसे पहले ट्रेजडी का मतलब था कि वहाँ जाके रो धो के मजा लेकर पिटी एंड फेयर लेकर आ जाए। तुम हो दुख, तुम दुख क्यों रहना चाहते हो आगे? तो यही बात है, यही बात वो डिस्कस करना चाह रहा है कि ट्रेजडी को आप वहीं तक महदूद ना करें जो अरिस्टोटल के दौर में, उस दौर के तकाजे थे। ट्रेजडी एंड कंटेम्परेरी आइडियाज उसने कहा है। मैंने कहा ये तालियां मारने लगी है ऐसे, खारिश करनी शुरू कर दी। मैंने कहा आज हमारे बच्चे इतने ईगर हो गए हैं कि मैंने कहा ऐसे करके तालियां मारने लगी है, उसने खारिश करना शुरू कर दी। भाई एक बात देखे, ग्लैलियो ग्लैली में उसकी ट्रेजेडी भी हुई थी, लेकिन वो ना उन्होंने हमें एंड पे वो सेंसेस जो दी थी वो एक अलग थी। हाँ मुझे याद है, शादी याद है, जब मैंने एंड पे पूछा था आपसे कि आपको दुख हुआ था एंड पे, तो समझ नहीं आ रही थी ना वो चीज। हाँ तो मैंने कहा था आपको कि डेथ के ऊपर जो है डेथ भी नहीं आपने कहा, नहीं मुझे कोई खास फीलिंग नहीं ठीक है, वो ट्रेजेडी है क्या मतलब समझ नहीं आ रही। मेरा बस तू चुप कर मुझे बोलने दे। अच्छा देखो बेटा बात ये है, पहले इस बात को क्लियर कर लो, एक वक्त ये था कि लोग पिटी एंड फेयर को एंजॉय करते थे और उसको बड़ा अच्छा समझते थे और वो जाते थे ड्रामे से पिटी एंड फेयर गेन करके घर आ जाते थे। वो कंटेम्परेरी आइडियाज, वो फेट को देखना चाहते थे, गार्ड को देखना चाहते थे, गार्ड का अमल दखल देखना चाहते अपनी लाइफ में। फिर आगे शेक्सपियरियन पीरियड आ गया, लोग रिलीजन के खिलाफ कुछ देखना चाहते हैं, लोग को हीरो की डीड्स देखना चाहते हैं, लोग किसी बड़े आदमी की गिरावट देखना चाहते हैं रेनेसां की वजह से, कि लोग नीचे गिरे वो देखें किस तरह नीचे गिरते हैं, जनरल किस तरह फेल होते हैं, किन कैसे फेल होते हैं, लव अफेयर कैसे होते हैं, लोगों का रुझान इधर था, लोग उसी का सबको पूरा करके आ जाते हैं। फिर दौर आ गया साइंस का, दौर आ गया ग्लैलियो ग्लैली आ गया, सपोज दिखाया गया भी हाँ भी साइंस से किस तरह मिरेकल है, साइंस किस तरह दुनिया के बड़े बड़े बुत गिरा देती है, वो दिखाया गया है। अब हो सकता है इसके बाद ट्रेजडी जो आए उसके अंदर आप जाए और हंस हंस के पागल हो जाए और हंस हंस के पेट में जब घर वापस आए तो आपको बताया जाए आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, अपनी शुगर चेक करें, आप बिल्कुल क्वाइट नॉर्मल हो और पूरे एक हफ्ते की डोज बन जाए आपकी वही जो आप ड्रामे के स्टेज पर ट्रेजडी देखने गए, लेकिन हाँ वो भी ट्रेजडी होगी। इसका मतलब ट्रेजडी का नाम रह जाएगा और वो खत्म, ट्रेजडी वही होगी, ट्रेजडी का नाम रह जाएगा लेकिन ट्रेजडी की डेफिनेशन बदलती जा रही है क्योंकि ये ट्रेजडी की ट्रेडिशन आ रही है। अब आप इस आइडिया को उठा नहीं रहे जो मैं कह रहा हूँ कि ट्रेजडी कॉमिक में तब्दील हो जाएगी फिर भी उसको ट्रेजडी कहा जाएगा। अब इस बात को एग्री भाई इसको कॉमेडी क्यों नहीं कहा जाता फिर? मैं बोल्ड एक स्टेप ले रहा हूँ कि भाई हाँ भी मजाक की जाए वहाँ पर, आपका अच्छा जी क्यों कंटेम्परेरी आइडियाज के अंदर ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग परेशान हाल हो गए हैं, तो उस प्रोग्राम को देखने के बाद उनके अंदर ये सारी चीज़ें
ठीक हो जाती हैं, वो कहेंगे ट्रेजेडी तो बड़ी अच्छी चीज़ है जी, इसको देखने से हमारे बीमारियाँ खत्म होती हैं। वो थोड़ा सा इस तरह भी हो सकता है जैसे वो वेटिंग फॉर गॉड में था। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। बाहर वो हंस रहे हैं या कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो फील होता है कि कुछ गलत मतलब हो रहा है। अब देखिए कि ये वेटिंग फॉर गॉड जो है ना ऐसी स्टेज पर अगर ठहर गया है, इसके बाद मैं कह सकता हूँ इससे अगला जो राइटर आएगा बोल्ड स्टेप लेगा, वो ट्रेजेडी की डेफिनेशन बदल कर उसको कॉमेडी बना देगा और कहेगा ये ट्रेजेडी है। जिस तरह के शेख अब कहते हैं वो कहते हैं कॉमेडी लिखी है, प्रोड्यूसर कहता है कॉमेडी लिखी और ट्रेजेडी लिखी है, उसके बाद तो कॉमेडी आ जाएगी। अच्छा, कॉमेडी के बाद सिर्फ आपको साइंटिफिक को इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उसको लोग ट्रेजेडी की डेफिनेशन कर देंगे, ट्रेजेडी यही है ट्रू। यानी कि ट्रेजेडी महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है कि उसके अंदर सफरिंग दिखाई जाए, डेथ दिखाई जाए, किसी की मौत दिखाई जाए। ट्रेजेडी वसी है, आप राइटर कह रहा है ट्रेजेडी की वसत बड़ी है। ट्रेजेडी कंटेम्प्रेरी एरियाज के मुताबिक होगी, ट्रेजेडी वक्त की डिमांड को पूरा करेगी, जो वक्त की डिमांड होगी। कल हो सकता है आपकी डिमांड पता नहीं क्या हो और उसके मुताबिक ट्रेजेडी सामने आ जाएगी। वो एक ख्याल रखता ना, वो कहती है कि ट्रेजेडी ये है कि सेवन अप नहीं है पकड़ों के साथ, तो मतलब कि चेंज होता जाता है जमाने के साथ। तो यही बात बता रहे हैं ना। सही है, नहीं ठीक है आपकी बात। ये फिर हम इतनी छोटी छोटी चीजों को ट्रेजेडी कहना शुरू कर देंगे और हम कहेंगे कि अच्छा ये नहीं है, तो फिर बात छोटी छोटी चीजों की नहीं है, बात सेंसेस की है। वही ना, मतलब हम सेंसिटिव ज्यादा हो जाएंगे। नहीं बात, अब मैं कहूंगा यहाँ पर, मैं कहूंगा अब बात है पब्लिक डिमांड की। हाँ जी, जो चीज लोग चाह रहे हैं उसके मुताबिक ट्रेजेडी की डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम अगर कहते हैं कि अगर हम स्टेज पर ड्रामा देख रहे हैं तो हम खून नहीं देखना चाहते, तो हमें बुरा लगेगा या हमें ये किताब और ये क्रिटिक लिखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि ट्रेजेडी इज नॉट लिमिटेड, ट्रेजेडी की डेफिनेशन सफरिंग से नहीं है, ट्रेजेडी इज एक्चुअली समथिंग व्हिच फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑडियंस। लेकिन सर आई हैव अ क्वेश्चन, एक्सपीरियंस फिर या कह सकते हैं कि उससे अच्छा, क्या आज जो मैंने ये आपने डिस्कशन की हम सब ने मिलकर कि ट्रेजेडी फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑडियंस, ये रेमंड विलियम ने नहीं की। रेमंड विलियम का ये खासा है, वो कहते लिखा मैंने भौंको आप। कल भी यही कह रहे थे, हालांकि ना हमने कभी कोई ये ट्रेजेडी देखी है ऐसी। लेकिन सर सिचुएशन एक और है ना, कौन सा बंदा है जो रोना चाहता है और कुछ नहीं रहना चाहता। आज तो यही हो गया ना। हाँ, हम लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, हर न्यूज चैनल इतने ज्यादा हैं, हम लोग हर तरफ कत्ल वगैरह शुरू हो गया, प्रॉब्लम्स हैं ओवरऑल। इसमें ज्यादा रोना ड्रामा लगा था, देखा और मैंने कहा ये प्रभा कितनी टेंशन। मैंने फिर वो मैं उठ गई वहां से, मैंने कहा ये तो ऐसे स्कूल में लगे हुए, रोए जा रही रोए जा रही है। हाँ, तो वो नहीं देखा था। देखो हालांकि आपकी और मेरी एज का डिफरेंस है, ठीक है आपकी और लेकिन फिर भी हम सब के मूड वो उस ट्रेजिक सीन को अवॉइड कर रहे हैं। हम उसे दूर जाना चाहते हैं, हम नहीं देखना चाहते वो मौत पहुंचे। हम मतलब एक कोई जगह अच्छी ना मिले तो हम जानवरों को देखना शुरू कर देते हैं, डिस्कवरी चैनल पर, जियोग्राफिक पर भी, ये क्या कर रहे हैं, खुश होते हैं। खुश होना अंदर से दिल करता ना इंसान को खुश रहने के लिए। लोग कार्टून उस दिन कार्टून देख रहे थे, बैठे हम बड़े हंस रहे थे। और मुझे डोरेमोन पसंद है, मतलब मैं मुझे लगता है मैं उसके साथ साथ खेल रही हूँ। और वो उसमें दिखाते हैं साइंटिफिक तरीके से, उसमें नई नई छोटे छोटे से चीजें उसके अंदर क्रिएट की हुई हैं। चलो वापस आ जाओ। अच्छा, मुझे फिक्शन पसंद था तो मुझे बाद में लगा कि मुझे फिक्शन पसंद है, ठीक है। तो बाद में मैंने वो एक लगता है जिसमें वो अपना शाहरुख खान की नकल करता है, ओ ये क्या हो रहा है भाई, नहीं छोड़ूंगा छोटे छोटे एपिसोड बताते हैं कितने मजे के होते हैं, नहीं छोड़ूंगा। चलो जी आगे देखिए। When the unique Greek culture changed, लो जी हमें तो नजर नहीं आ रहा, कल येलो कलर का उड़ा था। चलो और तो इधर देखो, अब तो बिल्कुल नहीं देखना। When the unique Greek culture changed, the chorus which was the crucial element of dramatic form was discarded and a unique meaning of tragedy was lost.
अब एक वक्त ये था कि कहते कि कोरस के बगैर ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती, तो कोरस को जब रिमूव किया गया ड्रामे के अंदर से, क्योंकि ग्रीक कल्चर तब्दील हुआ था, कल्चर उसको जो निकाला गया, तो फिर तो आप कहें उसके बाद तो ट्रेजेडी हुई नहीं है, फिर उसके बाद ट्रेजेडी को ट्रेजेडी क्यों कहते हो? एक वक्त आप कहते हैं, देखो मेरी बात, एक वक्त आप कहते हैं कि अगर कोरस नहीं हो गया ट्रेजेडी में तो ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती, आप ये कह रहे थे, ठीक है, उसके बाद ट्रेजेडी शेक्सपियर लिखता है या फॉसस लिखता है या कोई और लिखता है, फॉसस कहता है मारो लिखता है, वो कोरस डालता ही नहीं है उसके अंदर, मारलो नहीं लिखा था फर्स्ट, हाँ तो उन्होंने पहले कहा था कोरस था, वो था, मैं कह रहा हूँ इसीलिए मैंने फॉसस का निकाल दिया, मैंने कहा मारलो, मैं मारलो का जियो माल्टा या कोई और ड्रामा जिसके अंदर कोरस नहीं है, शेक्सपियर की कुछ ड्रामों में कोरस है, कुछ ड्रामों में नहीं है, ओथेलो में कोरस नहीं है, लेकिन उसके रोमियो एंड जूलियट के अंदर कोरस है, यानी कि जिन ड्रामाज में कोरस नहीं आया, फिर पुरानी डेफिनेशन की रूप से तो वो ट्रेजेडी नहीं है। इसी तरह अगर किसी ने ट्रेजेडी की डेफिनेशन ये की है कि दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ सफरिंग और डेथ, अगर सफरिंग और डेथ नहीं है, जिस तरह हमारे ने अभी कहा था कि सर थोड़ी सी सफरिंग तो ट्रेजेडी का मतलब तो निकले, अगर अब आप डिटरमाइंड कर रहे हैं कि सफरिंग होगी तो ट्रेजेडी होगी, तो कल अगर सफरिंग निकल जाती है जिस तरह कोरस निकल गया तो आपने ट्रेजेडी फिर भी कहा है, इस तरह सफरिंग भी निकल जाएंगे तो ट्रेजेडी फिर भी कहेंगे है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे, हम विलियम नहीं, हम इस नतीजे पर पहुंचे बैठे हैं कि ट्रेजेडी विल चेंज अकॉर्डिंग टू कंटेम्पररी आइडियाज, ये ट्रेजेडी की ट्रेडिशन होगी। तो वो ये बात नहीं कहता, वो ये नहीं कहता, वो तो ये कह रहा है कि आज के दौर तक हमने दो स्टेप आगे ले लिए, भी कल को कॉमेडी आ जाए तो हम उसको भी ट्रेजेडी कह सकते हैं। कॉमेडी का दूसरा नाम ट्रेजेडी हो सकता है, दूसरा नाम क्यों कहते हैं फिर? कोरस के बगैर वाली जो ट्रेजेडी है, आप कहें ये एक और किस्म की ट्रेजेडी है, आपने कभी ऐसा नहीं कहा, आप ट्रेजेडी कहते हैं, कोरस नहीं है फिर भी आपकी ट्रेजेडी, पाकिस्तानी ड्रामा था वो, नहीं है बुलबुले वाला, वो आदमी फ्रूट बेचता होता है ना, वो बुलबुले जो बड़ा आदमी है ना, ठीक है, मोमो का हस्बैंड, वो फ्रूट बेचता होता है, तो घर में आता तो उसकी माँ उसे कहती है कि इस काली औरत को निकाल दे तो और शादी कर, वो माँ के कहने पर उस औरत को निकालता है और एक और शादी के सिलसिले में चला जाता है, और वो औरत भी आखिर रिजेक्ट कर देती है शादी होने के बावजूद, तो घर वापस आता है, वो कई दिन तक घर नहीं आता, उस औरत के पास रहता है, तो उससे मनाल है, वो अमीर औरत होती है, पीछे उसकी माँ बीमार होती है, उसका वो वहाँ पूछने वाला कोई नहीं होता, तो वो जो पहले वाली बीवी होती है वो ऐसे पूछने आ जाती है, कोई बात काम करने कपड़े लेने आती है, तो वो आते देखते बीमार पड़े वो उसकी खिदमत करना शुरू कर देती है। अब बेटा उसके पास नहीं लेकिन वही बहू उसके पास है, तो सास जो है वो सफरिंग में होती है, लेकिन वो फिर उससे एग्री हो जाती है, भाई तुमने मेरी हेल्प की है मुश्किल वक्त में, तो मर जाती। अब जब वो मर्द वहाँ से रिजेक्ट होकर घर वापस आता है तो उसकी बीवी बैठी होती है, तो वो कैसा है, वो माफी जानी मांगता है, माँ से बताता है हालात क्या थे, उसके बाद वो अपनी उसी काली बीवी को कहते हैं तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो, ठीक है, यानी कि वो उसे दोबारा रिकनसाइल करने की कोशिश करते, तुम अभी मुझसे नाराज़ हो, तो वो कहती है कि नहीं लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है, तो कहते क्या, उसके नज़दीक जाके ना कहती है लाख लाना दे, उसके मुंह पर ध्यान करती है, तो कहते क्या हैं, व्हाट वाज दैट, अब दैट वाज मे बी आल्सो ट्रेजेडी, ये भी ट्रेजेडी है। लेकिन इसमें जो है वो एलिमेंट नहीं है सफरिंग, भी है काजल भी है सोल्यूशन भी है इसमें, सारे में ऐसे ही करते हैं ड्रामे। अच्छा आगे में लाने देते हैं जो है ना, अच्छा सारे करते हैं। अच्छा ओके जी, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। मैंने अब शायद फिर कब पढ़ा था हूँ तो लेकर आप सुन सुन के दुनिया सारी खुश होगी कि हाँ जी भुट्टो साहब क्या क्या कहते हैं। ताजीरात है पाकिस्तान के 1860 के तहत, ठीक है,
अगर कोई किसी को कल रुई लेके हस में बेजा रखेगा, हब से बेजा रखेगा जी रखेगा नहीं यानी कि उसे कैद करके रखेगा, तीन दिनों के लिए रखेगा अगर, तो आर्टिकल 440 ठीक है, तीन साल की सजा होगी आर्टिकल 440 अच्छा बेटा आगे देखें, पीपल थिंक दैट द मेडिवल पीरियड प्रोड्यूस्ड नो ट्रेजेडी, लोग सोचते हैं कि मेडिवल पीरियड ने कोई ट्रेजेडी पैदा नहीं की, बट मॉन्क्स टेल बाय चासर इज द एग्जांपल इन विच वी सी प्रोटैगनिस्ट फॉलिंग फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, लेटर ट्रेजेडी बिकेम मोर सेकुलराइज इन द रेनेसा एंड न्यू क्लासिकल एज, नाउ अ चेंज वॉज विजिबल, द मूविंग फोर्स ऑफ ट्रेजेडी वॉज नाउ क्वाइट क्लियरली अ मैटर ऑफ बिहेवियर रेदर देन आइदर अ मेटाफिजिकल कंडीशन और अ मेटाफिजिकल फॉल्ट, अब वो कहता है कि ट्रेजेडी को आप देखें मिडिवल पीरियड में ट्रेजेडी कोई है ही नहीं, मंगटेल देख लें, वो कहता है कि एक शख्स प्रोटैगनिस्ट जो है प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी में गिरा है तो उसको ट्रेजेडी क्यों नहीं कहते, वो एक पूरी कर रहा है ट्रेजेडी की, वो अपना रिवायत को पूरी कर रहा है, तो उसको क्यों नहीं आप ट्रेजेडी कहते। उसके बाद वो कहता है कि उसके बाद सेकुलर हुई ट्रेजेडी, रेनेसा आ गया उसमें ट्रेजेडी लिखी गई, बिहेवियर पर ट्रेजेडी लिखी गई, उसको भी ट्रेजेडी कहा गया है, उसके लिए फेट नहीं था। पादरी की, पादरी की कहानी रहत कहते हैं मॉन्क को, नेक परहेजगार जाहिद खुश, बस काफी है, बस मेरा दिमाग बस काफी है। अब ये रेमेड भी ऐसा ऐसा पढ़ेंगे हैं, दोनों